लेकिन तुम्हारे जैसे दलालों को मैं खड़े आम सरे भरी सड़क के ऊपर ले जाओ, उसको बाहर ले जाके फेंको, ले जाओ उसको बाहर। उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर है तो आज FIR रजिस्टर कराए हैं, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है। 3 बजे के बाद दलित बस्तियों में जिस तरीके का पैसा पहुंचाया गया, मुसलमानों के 3 उम्मीदवार को कल 3 बजे पैसा पहुंचाया गया अतुल सावे के, और वो तीनों को ये कहा गया कि आपको करना कुछ नहीं है, वोटिंग किसको हो रही है, सिर्फ जाके आपने मोहल्लों के अंदर हंगामा करना। नारे गांव में झगड़ा किया गया, खैसर कॉलोनी के अंदर जाकर हंगामा किया गया। 3 बजे इनके पास पैसा आया था कि मतलब सिर्फ आपको हंगामा करवाना है लड़कों को लेकर। अब मैं आपको एक एक वीडियोस में बता रहा हूं, वो वीडियोस आप गौर से देखें, और उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हमने ये वीडियोस पूरे के पूरे वीडियोस, चलिए पहला वीडियो जो है ये जो टकले साहब है व्हाइट शर्ट के अंदर, ये पैसों का बंडल है इनके हाथ में। ये है जो पैसा बांट रहे हैं, अंबेडकर नगर में जो कॉर्पोरेटर रहे हैं वहां के महेंद्र सोनावने, इनके भाई है जितेंद्र सोनावने, ये पैसा बांट रहे हैं। पूरी महिलाओं को रोक कर रखा गया था कि वोट डालने जाना नहीं, आपका पैसा आ रहा है भाजपा की तरफ से, आप रुकिए। महिला गई नहीं, आप अगर पूरा फुल वीडियो अगर देखेंगे वो, जो मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला हूं, साफ तरीके से आप सुबह से रोक के रखे हैं। आप सुबह से लोगों को रोक के रखे कि वोट डालने जाना नहीं, अतुल सावे के पास से पैसा आने वाला है। महिला ज्यादा हो गई, नोट के बंडल उनके हाथ में जब कम नजर आए तो महिलाओं ने लिटरली खींचना शुरू कर दिया, और बाद में यही महाशय वहां के लोगों को पीट रहे हैं। ये कौन सा वीडियो नहीं, ये इसको जरा बोल करिए, इसको ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं। ये है तो झुंड में जमा करके महेंद्र सोनावने, और उनका भाई मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है तो क्या चिल्लाते हुए जाता है देखिए। ये महेंद्र सोनावने जो हाथ बता रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये पैसा बांटने वाला, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। हाँ होल्ड, ये है वो महाशय जो अपने समाज की माओं और बहनों को 500-500 रुपये में बेचने का काम कर रहे हैं, 500-500 रुपये में। कमाल कमाल कमाल, 500-500 रुपये में इन्होंने अंबेडकर नगर की महिलाओं को बेचने का काम किया है। ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। दलित समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग महज 500 रुपये एक एक पुरुष एक एक महिला को देकर ये संविधान का सौदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है। चलिए दूसरा वीडियो बताइए, इससे पहले वाला जो बता नहीं, उसके आगे वाला वीडियो। हाँ ये देखिए, एक सेकंड इसको होल्ड करिए। ये जो वीडियो है
ये वीडियो है एडवोकेट अरविंद डोंगांवकर, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के प्रमुख है। इनका ऑफिस जो है वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के लिया चढ़ रहे हैं हमारी टीम। ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं, ये जो लड़का है इसके हाथ में इलेक्शन कार्ड, ये एजेंट था। और ये कानून के रखवाले जो होते हैं, कानून के लिए वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ये अरविंद डोंगांवकर अपने ऑफिस में लगातार सुबह से लेके दोपहर तक इनका यही काम था कि ये ऑफिस में बैठे बैठे महिलाओं को लेके आना। वो जो लड़का आपने देखे है वो दलाली का काम कर रहा था, मुस्लिम लड़का है। एक एक महिला के पीछे इनको कमीशन भी दिया जा रहा था, जो लड़के महिलाओं को लेकर आ रहे थे, तुम इतने लेके आना हम तुमको इतना कमीशन देंगे करते। हम वकील भी कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन के दिन वकील भी कर रहे हैं। होल्ड करिए, देखिए जब ये बहस चल रही थी तो जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए थे वो वहां पे नारा लगाना शुरू कर दिया। नारा क्या था? जय श्री राम। आप सुनिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। मैं जब पुलिस वाले को, ये ऐसी महिलाएं जो है इलेक्शन के दिन इनको इनकी औकात समझ में आएगी। ये शकीला पठान जैसे लोग जो है, ये भीड़ से आके कितना पैसा मांग रही थी ये बैठने के लिए। सर आप अपने लोगों को बता के, मैं क्या पैसे हराम के पैसे दूंगा ऐसे लोगों को? मैं आपको इलेक्शन के दिन, आप उनके रिश्तेदार लग रहे हैं, आपको इलेक्शन के दिन पता चलेगा। सुनिए सुनिए, आपके जैसे पत्रकारों को भी मैं अच्छी तरीके से हैंडल करता हूँ। आप मुझे मालूम है, आपको शकीला पठान को आपने वोट दिए अगर होंगे तो आपको 23 तारीख के दिन समझ में आएगा ये महिला कितने लाख लोग वोट लेती है या सिर्फ इसको हराने के लिए खड़ा किया गया था। और आप जैसे जो पत्रकार है ना साहब, मुझे मालूम है, मुझे सिखाइए मत, मेरा मुंह खोलने मत लगाइए कि आप लोग डॉक्टर गफ्फार कादरी से कितना पैसा लेकर बैठे हुए थे। समझ रहे? बकवास बंद करिए, कहते इसको उठाकर बाहर ले जाइए, ले जाओ इसको बाहर, ले जाके फेंको इसको, यूट्यूबर्स ले जाओ इसको। मैं तुझे नहीं कहा, मैं मीडिया की में रह चुका हूं, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे दलालों को मैं खरे आम सरे भरे सड़क के ऊपर, ले जाओ उसको बाहर, ले जाके फेंको उसको, ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ।